लखनऊ की टीम की लगी लंका, अब कैसे बजेगा आईपीएल 15 में डंका। नई नवेली टीम से गलती हो गई भारी, फैंस ने भी सरेआम इज्जत उतारी। लखनऊ सुपर जायंट्स पर लगा चोरी का आरोप। आईपीएल 2022 में दो नई टीमों की एंट्री होने वाली है, जिसमें एक टीम है गुजरात टाइटंस की तो दूसरी टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स की। लेकिन आईपीएल में खेलने से पहले ही लखनऊ की टीम विवादों में फंस गई है। इस टीम से बड़ी भारी गलती हो गई है। इस गलती की वजह से आईपीएल की नई नवेली लखनऊ की टीम को सोशल मीडिया पर माफी तक मांगनी पड़ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि लखनऊ की टीम ने ऐसा क्या कर दिया कि ये टीम आईपीएल में खेलने से पहले ही विवादों में फंस गई और इसे सोशल मीडिया तक पर माफी मांगनी पड़ी। चलिए दोस्तों, अब ज्यादा सस्पेंस नहीं बनाते और आपको पूरा माजरा बताते हैं। दोस्तों, दरअसल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, यानी कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। इस मौके पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर पोस्ट की थी। इस तस्वीर में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फोटो थी, लेकिन खास बात यह है कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने बिना क्रेडिट दिए ही इस तस्वीर को शेयर कर दिया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने महिला दिवस के मौके पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई तो दी, लेकिन इस फोटो को लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने बिना क्रेडिट दिए ही शेयर कर दिया, जबकि फोटो को एक फैन पेज के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम फैंस के निशाने पर आ गई। लखनऊ सुपर जायंट्स टीम को फैंस की कड़ी आलोचना सहनी पड़ी। वहीं तस्वीर बनाने वाले पेज ने तो लखनऊ सुपर जायंट्स को डिजिटल चोर तक कह डाला। उस तस्वीर को बनाने वाले पेज ने लखनऊ सुपर जायंट्स के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, देखिए इस डिजिटल चोर को, इनका अकाउंट वेरीफाइड है तो क्या कुछ भी करेंगे। हम लोगों की मेहनत को ऐसे ही लेकर खुद का इफेक्ट डालकर अपना बोल देते हैं। उस फैन पेज ने जैसे ही ये लिखकर इस ट्वीट को रिट्वीट किया, इसके बाद सोशल मीडिया पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की काफी आलोचना होने लगी। सोशल मीडिया पर मच रहे बवाल को देखने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को माफी तक मांगनी पड़ गई। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने ट्वीट करते हुए लिखा, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, पोस्ट तो हमने कर दिया, बस आपकी वाहवाही रह गई। तो देखा दोस्तों, कैसे लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पर चोरी का आरोप लगा और इस आरोप के बाद टीम ने अपनी गलती को मानते हुए तुरंत इस पर माफी मांग ली। वैसे आपको बता दें कि आईपीएल 2022 में दो नई टीमें खेलने वाली हैं, जिसमें एक है लखनऊ सुपर जायंट्स की और दूसरी है गुजरात टाइटंस की। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस आईपीएल की सबसे महंगी टीम है, जिसे 7,090 करोड़ रुपए में संजीव गोयनका के ग्रुप ने खरीदा था। इस आईपीएल में लखनऊ की टीम की कप्तानी लोकेश राहुल करते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे आईपीएल में अपना डेब्यू मैच खेलने से पहले ही लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम विवादों में फंस गई और यहां तक कि उन्हें माफी मांगकर अपना पिंड छुड़ाना पड़ा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस बार आईपीएल जीत पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल क्रिकेट सूत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ क्रिकेट की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज क्रिकेट सूत्र को भी लाइक कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।